हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के बीच हमें निर्देश मिले हैं कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिसमें हम अपने और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इस नियम का पालन कर रहे हैं। सो इसी के चलते मैंने भी कुछ ऐसा प्लान किया है कि सोचा है कि ऐसा कंटेंट मैं क्रिएट करूं कि जो मैं घर बैठे बैठाए आपके साथ शेयर कर सकूं या आपके लिए एक वीडियो लेके आ पाऊं आपके साथ। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भी रखते हैं गाड़ी या गाड़ियों से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्ट, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। सो आज का मेरा टॉपिक भी है BS4 को लेके, कि कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि BS4 इंजन जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक ही हो पाएगा। लेकिन जैसे कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन दायर किया था, तो उसका जो कोर्ट ने उसको पूरा रिव्यू किया है और ये डिसीज़न लिया है कोविड-19 के चलते हुए, क्योंकि देश में लॉकडाउन कर दिया गया था और 10 दिन पहले जो है लॉकडाउन हो गया था। तो इसके बीच में जो है कंपनीज़ की जो है वो कार्स की सेल नहीं हो पाई। यहाँ पर मैं कार्स की ही बात करूँगा क्योंकि मेरा चैनल कार्स के लिए ही है। सो सेल नहीं हो पाई जो भाई लोग गाड़ी लेना चाहते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारे मामले का रिव्यू किया और उन्होंने डिसीज़न लिया है कि अब जो व्हीकल्स को सेल करने का जो समय है उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसका एक्सटेंशन जो है वो 10 डेज का होगा। इसके अलावा कोरोना का 21 दिन का लॉकडाउन चलते कई ग्राहकों ने वाहन खरीदे हैं मगर अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, इसीलिए फाटा की अपील के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन को भी लॉकडाउन के अंत के बाद तक 10 दिन तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद डीलर्स के पास सिर्फ 24 अप्रैल तक BS4 इन्वेंट्री को ख़त्म करने का समय बचेगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि डीलर BS4 इन्वेंट्री का सिर्फ 10% स्टॉक ही सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में कोई भी व्हीकल वाहन BS4 कैटेगरी का नहीं बेचा जाएगा। सो ये कोरोना का एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके चलते डीलर्स अपना स्टॉक आउट नहीं कर पाए और इन सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिव्यू किया और उसके बाद जो है उन्होंने ये फैसला लिया है। तो लॉकडाउन के बाद 10 दिन जो है व्हीकल को हम परचेज़ कर पाएंगे, BS4 कैटेगरी के व्हीकल परचेज़ भी कर पाएंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन भी होगी। और ये ऐसा 10 दिन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जैसे लॉकडाउन जो एंड होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट डे से ही रेडी हो जाएंगे कि हमारे पास कैश भी है या हम पूरी तरह रेडी हैं, वो प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं कि व्हीकल को परचेज़ कर सके। सो इसलिए 10 दिन का समय दिया है ताकि किसी भाई ने अगर लोन लेना है या कोई और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है बिफोर बाइंग अ व्हीकल, सो एक बहुत सही सा समय कोर्ट ने जो है वो दिया है। सो ये थी टोटल जानकारी BS4 से रिलेटेड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी उसका रिप्लाई करते हुए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।